मैं इमरान सैफी, मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कल मैं अपने सभी दर्शकों से मिलने गया और दत्याना ग्राम के अंदर, जो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, वहां पर आकाश त्यागी हमारे बड़े फॉलोअर्स हैं और हमारे बड़े चाहने वाले हैं। उन्होंने कल मुझे उनके जो है प्लांट है बहुत बड़ा, और मेरे इस टाइम जो मेरे हाथ में है ये केले के पेड़ है, मतलब बनाना ट्री। दोस्तों, ये वो पेड़ है जिस पर हाई बेहतरीन टॉप से टॉप केला लगाया जाता है। तो कल मैं उनके पास गया, सभी किसानों से मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे। बड़ा प्यार दिया किसानों ने, और उन्होंने मुझे अपनी तरफ से एक भेंट दी, अपनी तरफ से एक गिफ्ट दिया। और अब मैं जो हूँ अपने घर के अंदर, जो है थोड़ी सी जगह है जहाँ पर इसको मैं लगाने जा रहा हूँ। और आकाश त्यागी का और पूरे गांव लोटी, दत्याना, मादापुर, गोरा, राजपुर के सभी किसान भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जिस तरह से मुझे उन्होंने प्यार दिया, इसी तरीके से मुझे हर वीडियो को मेरा साथ दे और हमें आगे बढ़ाए, जिससे हम समय समय पर आप लोगों को नई से नई न्यूज़ देते रहे। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम इनको लगाते हैं। उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। पेड़ लगाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और अगर पर्यावरण को अगर शुद्ध करना है तो अपने घरों में भी, अपने आसपास, अपने क्षेत्रों में भी पेड़ लगाया करो, जिससे जो पर्यावरण है वो बिल्कुल शुद्ध रहे। और हरिया जो पेड़ होते हैं वो आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव थिंक देते हैं। अगर आप हरे पेड़ की तरफ अगर देखोगे, लाइट पेड़ की तरफ अगर आप देखोगे, तो आपको पॉजिटिव थिंक आपको मिलेगी। अगर आप परेशान हो तो आप हरियाली की तरफ अगर चले जाओगे, तो आपका जो नेगेटिव पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है, वो आपके दिमाग का जो पॉइंट है वो पॉजिटिव, ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम इनको लगा देते हैं, इन प्लांट को स्टार्ट। दर्शकों, ये गोबर की खाद है जो नेचुरल होती है, और अगर आप प्लांट में इसे लगा दो तो जो प्लांट की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी तरीके से होती है। और मिट्टी के अंदर ये खाद जो है ज़मीन के अंदर जो होती है, जो प्लांट को पूरी ताकत देते हैं और ज़मीन को भी मजबूत, और उसके अंदर जितने भी आपके कंपोनेंट होते हैं वो सारी उपलब्ध होते हैं, चाहे इसमें नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, कैल्शियम हो, पोटेशियम हो, सारी चीज़ें इसके अंदर उपलब्ध होती है। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे, और डालने के बाद में है अपने जो प्लांट है, जो बनाना प्लांट है, अब हम इसे जो है इसकी पहले पन्नी एक साइड से इसको फाड़ देंगे। ये फाड़ दी है, इस पन्नी को हटा देंगे और इस प्लांट को जो है इसके अंदर लगा देंगे। और अब ऊपर से जो है हल्की हल्की जो मिट्टी है, मिट्टी को नॉर्मल तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में जो है चार तरफ से इसकी तरफ मिट्टी जो है लगानी शुरू कर देगी। लेकिन अब हम एक काम करते हैं, इस मिट्टी के अंदर जो है थोड़ा सा फर्टिलाइज, आपका जो है थोड़ा सा जो है नेचुरल खाद लगा लेते हैं थोड़ा सा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर, बेस्ट बेस्ट हो जाए। इस मिट्टी में थोड़ा मिला लेते हैं, अब ये मिक्स हो जाएगा, थोड़ा और भी मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, जो है ये मिक्स हो गया है, अब हम इस मिट्टी को जो है इस प्लांट के अंदर लगाएंगे। इस तरह से हमने इसको लगाया है, इतना इसके अंदर जो है हल्का सा जो है